हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन, रोहन एक्सपेरिमेंट। यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सोल्डिंग आयरन बनाकर दिखाने वाला हूँ कि जो बैटरी से भी चल सके। तो दोस्तों, ये जो सोल्डिंग आयरन मैंने बनाई है, आप देख सकते हो, ये 12 वोल्ट डीसी चार्जर एडाप्टर और बैटरी से भी चल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी और नई दिख रही है, जैसे कि हमने इसे खरीद कर लाया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यार, ऐसी ही ये बन जाती है, बहुत ही अच्छी सोल्डरिंग आयरन है। तो दोस्तों, ऐसी सोल्डरिंग आयरन आपको ना मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी प्राइस जो है ना, तो मार्केट में मिल जाती है उसकी प्राइस 350 से 400 रुपए के ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन हमारी जो 220 वोल्ट करंट पे चलने वाली सोल्डरिंग आयरन आती है ना, वो सस्ते में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यार, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है इसमें ना, करंट लगने का, शॉक लगने का डर रहता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर पर भी इसे बनाकर खुद इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसे बना लो, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे और ये सोल्डरिंग आयरन कैसे बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये सोल्डरिंग आयरन मैंने बनाई है। तो दोस्तों, ये मैंने किस लिए बनाई है? तो दोस्तों, ये सोल्डरिंग आयरन ना, ये मैंने खुद के लिए बनाई है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों यार, जब भी मैं कोई सोल्डरिंग कर रहा होता है या फिर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए कुछ सोल्डरिंग कर रहा होता हूँ ना, तभी क्या होता है, कभी कभार ना फटाक से एकदम से लाइन चली जाती है यार दोस्तों। इसी की वजह से ना मेरा सारा काम रुक जाता है और वीडियो आने में देर लगती है। तो दोस्तों यार, इसी के लिए मैंने जो है तो ये सोल्डरिंग आयरन बनाई है। तो दोस्तों, ये सोल्डरिंग आयरन 6 वोल्ट बैटरी पर भी चल जाती है आसानी से। और दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे घर पर बना सकते हो। सिर्फ इसे बनाने में ना सिर्फ हमें 20 रुपए लगे हैं दोस्तों, मैं आपको सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यार, आपको सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए हमें एक किल की आवश्यकता होगी, और दूसरे जो है तो मैंने ये स्क्रू ड्राइवर का हैंडल लिया है, जो कि ये पुराने स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पीवीसी पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, जो हमने किल लिया था ना, तो किल की वाले जो चपटी वाली पार्ट होता है ना, चपटा वाला, तो उसे हमें कट कर लेना है और ग्राइंडर मशीन की मदद से घिस लेना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर लूँगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने जो किल कट की हुई है, तो उसके ऊपर हमें फाइबर मतलब कि एक नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वाली वीडियो देखे होगे, तो मैं हर बार की तरह यही नाइक्रोम वायर इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, ये नाइक्रोम वायर ना बहुत ही सस्ता मिल जाता है, और जो हमारी 220 वोल्ट एसी करंट पर चलने वाली जो शेगड़ी आती है ना, तो उसके अंदर का ये नाइक्रोम वायर है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा वाला लंबा नाइक्रोम वायर होता है, लेकिन मैंने इसे 12 वोल्ट डीसी बनाने के लिए इसे मेरे बैटरी के हिसाब से मैंने इसे कट किया है। और दोस्तों, आप देख सकते हो, किल के ऊपर मैंने फाइबर स्लीव लगाकर इस नाइक्रोम वायर को फिट करके कॉपर के दो वायर लगाकर इसको जॉइंट कर दिया है। और दोस्तों, इस जो हमने कॉपर के वायर लिए थे, तो उसके ऊपर भी हमें फाइबर स्लीव का इस्तेमाल कर लेना है, ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ना आप सिर्फ नाइक्रोम का वायर ही इस्तेमाल करो, जो हमारी रबर वाली कोटिंग वाली वायर होती है ना, तो आप इसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो हमारी ना सोल्डरिंग आयरन जब हीट हो जाएगी ना, तब रबर जो है तो पिघल कर बहुत धुआं निकलेगा इससे से, ले दूसरा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत धुआं निकलेगा और जो हमारा रबर है तो वो जल जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या करो ना, फाइबर स्लीव ही इसके ऊपर डाल दो, और हमारी जो है तो वायर जो है तो सिर्फ कॉपर का ही वायर इस्तेमाल करो, बिना कोटिंग वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, हमने जो वायर लिया था और उस हैंडल लिया था, तो उस हैंडल के ऊपर जो है तो हमें छेद कर लेना है, ताकि इसके अंदर हम वायर लगा सके। तो दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो, आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके आप बताते रहो, ताकि मुझे भी पता चले कि यार आपको वीडियो पसंद आई या नहीं, और वीडियो को लाइक भी करते रहो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने वायर लगा हुआ है, और फ्रेंड्स वायर के दूसरी साइड को जो है तो मैंने माइक के पिन इस्तेमाल किए हैं, जो कि 10 रुपये की है। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये स्टील का पाइप लिया है ना, तो ये स्टील का पाइप मैंने जो हमारे खेत में स्प्रेयर पंप होता है ना, तो उसका वाला एक पाइप है,
तो फ्रेंड्स इस पाइप को मैं ग्राइंडर मशीन की मदद से कट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसे कट करने के बाद मैं ग्राइंडर मशीन के ऊपर इसे घिस लूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का बस यही है कि यार जब भी ना मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना तो यार जल्दी से जल्दी लाइन चली जाती है। कभी मैं प्रोजेक्ट बनाने या फिर सोल्डरिंग करने बैठता हूँ ना तो फटाक से लाइन चली जाती है यार, उसकी वजह से ना सारा मूड ख़राब होता है यार। इसीलिए मैं 12 वोल्ट बैटरी पर चलने वाली ये सोल्डरिंग आयरन बना रहा हूँ। तो दोस्तों हमें एमसील लेना है, एमसील को एक साथ मिक्स करके इस सोल्डरिंग वायर को जो हमने किल ली है ना तो उसके ऊपर लगाकर स्टील पाइप के अंदर फिट कर लेना है। उसके पहले जो है तो हमने जो हैंडल लिया था ना तो उसके अंदर जो है तो हमारा स्टील का पाइप जो है तो फिट नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों इसे हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से चेक कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा स्टील का पाइप अब इसके अंदर अच्छे से फिट आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें इसे निकाल कर एमसील की मदद से हमने जो किल पर जो नाइक्रोम वायर फिट किया हुआ है ना तो उसे जो है तो इस स्टील के पाइप के अंदर अच्छे से फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यार आप सिर्फ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो, आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ना ये 12 वोल्ट डीसी बैटरी पर चलने वाली सोल्डरिंग आयरन, ये सोल्डरिंग आयरन चार्जर या फिर एडाप्टर 12 वोल्ट वाले पर भी चल जाएगी और 6 वोल्ट की बैटरी पर भी ये सोल्डरिंग आयरन चल जाएगी। लेकिन इसे हीट होने में अगर 12 वोल्ट बैटरी से 1 मिनट लगता है तो 6 वोल्ट के बैटरी से इसे हीट होने में 2 मिनट लगेगी। बस इतना ही फर्क है, बना लो यार, बहुत ही आसान सोल्डरिंग आयरन बन जाती है। और दोस्तों अगर आप इसे मार्केट में ख़रीदने के लिए जाओगे तो इसकी प्राइस ना 350 से 400 रुपये की ऊपर ही होंगी। जो हमारी 220 वोल्ट पर चलने वाली एसी करंट पर चलने वाली सोल्डरिंग आयरन सस्ते में मिल जाती है, लेकिन बैटरी पर चलने वाली सोल्डरिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मैंने वायर लिया था तो उसे जो है तो मैं जोड़ कर जो है तो सोल्डरिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है दोस्तों। और फ्रेंड्स इसे सोल्डरिंग करने के बाद हमें जो है तो फाइबर स्लीव के अंदर फिट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसे जो है तो मैं फाइबर स्लीव के अंदर फिट कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स इसे हमें इसके बाद जो है तो बड़ी वाली फाइबर स्लीव भी इसके अंदर डाल देनी है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी दिखे और हमारा वायर जो है तो ना निकले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें जो है तो बना लेनी है। तो फ्रेंड्स यार ये तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही सस्ते में। इसे बनाने के लिए यार क्या है, अगर आप मैंने जो माइक की पिन इस्तेमाल की है इसकी जगह पर हम कोई या फिर क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो वो क्लिप हम डायरेक्ट जो है तो बैटरी को भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सोल्डरिंग आयरन हमारी नई जैसी दिख रही है, जैसे ही हमने इसे मार्केट से लाया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये दिख रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई मैंने बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये सोल्डरिंग हमारी हीट हो चुकी है जल्दी से जल्दी। आप देख सकते हो ये हीट सोल्डरिंग हीट हो रही है सोल्डरिंग आयरन, और आप हम जो है तो इस तरीके से सोल्डरिंग कर पाएंगे इससे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो हम आप। तो फ्रेंड्स इसे हम जो है तो बैटरी पर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी यार मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि यार आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। अगर मेरी कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं कुछ सुधार लाऊं इसमें। तो फ्रेंड्स यार कमेंट करते रहो ताकि मुझे पता चलेगा कि यार मेरी कहाँ पर गलती हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स यार आप देख सकते हो ये हमारी सोल्डरिंग आयरन बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताओ। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो कर देना यार, लाइक करना फ्री होता है। और दोस्तों आपको ये सोल्डरिंग आयरन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने तो वीडियो में देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स बाय बाय।